हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये है भरवा भिंडी। भिंडी यूजुअली बहुत अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है, बहुत अलग अलग मेथड्स हैं इसको बनाने के, और किसी भी तरीके से बनाई जाए भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। पर ये वन ऑफ माय फेवरेट मेथड्स है भिंडी को बनाने का, जो कि है भरवा भिंडी, जिसमें हम भिंडी को स्टफ़ करते हैं स्पाइस मिक्स के साथ, जिससे कि बहुत ही चटपटी से बनकर आती है ये भिंडी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे करीब 250 ग्राम भिंडी ली है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, दोनों एंड्स इसके मैंने कट कर लिए हैं और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं भिंडी को अच्छे से कर रही हूँ पैट ड्राई एक पेपर टॉवल से, क्योंकि भिंडी को ड्राई करना इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम भिंडी में फिल करेंगे स्पाइस मिक्स, तो अगर आप इसमें भिंडी को ड्राई नहीं करेंगे तो जब आप इसमें स्पाइस कोटिंग लगाएंगे तो बिल्कुल उसमें गांठे पड़ने लगेंगे, यानी कि उसमें लम्ब्स पड़ने लगेंगे, और हमें बिल्कुल ड्राई कोटिंग चाहिए स्पाइस मिक्स की भिंडी के ऊपर और हम जब फिल करेंगे उसके अंदर तब भी। तो इसको अच्छे से ड्राई करें और उसके बाद इस तरीके से एक एक भिंडी लें और सेंटर में इस तरीके से आपको एक चीरा लगाना है, यानी कि आपको एक कट देना है, जिससे कि आसानी से इसके अंदर हम स्पाइस मिक्स अच्छे से फिल कर सकें और उसके बाद इजीली हम इसको कोट भी कर सकें स्पाइस मिक्स में, जिससे बहुत ही चटपटी सी बनकर आती है ये भिंडी। तो आप देख सकते हैं सब भिंडी में मैंने इस तरीके से सेंटर में ये कट लगा दिया है। अब चलते हैं स्पाइस मिक्स की तरफ। तो पहले मैंने लिया है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2.5 चम्मच यहाँ पर मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, उसके बाद 0.5 चम्मच इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर, साथ साथ ये 1 चम्मच अमचूर यानी ड्राई मैंगो पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ये हींग, साथ साथ ये 3/4 टीस्पून मैंने ऐड करा है काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून रॉक सॉल्ट यानी काला नमक, थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये ड्राइड फेनोग्रीक लीव यानी कस्तूरी मेथी, साथ साथ नमक ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये स्पाइस मिक्स बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है, और बहुत ही अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अलग अलग तरीके के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ताकि बहुत ही अच्छी चटपटी सी बने ये भिंडी। और क्योंकि यही असली एसेंस है इस रेसिपी का, ये रेसिपी ही ये है कि इसमें अच्छा स्पाइस मिक्स फिल करके बनाया जाए, इसीलिए इसका नाम है भरवा भिंडी। तो अच्छी तरीके से सारे भिंडियों में अब हम भरेंगे ये स्पाइस मिक्स, अच्छे से फिल करें इसको इस तरीके से, और उसके बाद रैप भी कर दें एक तरीके से भिंडी को, इसमें कोट करना है हमें स्पाइस मिक्स में, और साथ में एक एक प्लेट में इसको रखते जाएं। तो सारी भिंडियां इसी तरीके से हम कोट करेंगे, पहले हम इसको अंदर फिल करेंगे और फिर साथ में कोट करेंगे सब भिंडियां स्पाइस मिक्स में, और उसके बाद इस तरीके से हम एक प्लेट पे इसको सेट करके रख देंगे। तो अब चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। तो मैंने 1.5 चम्मच ऑयल हीट कर लिया है, उसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां चॉप की हुई ऐड कर दी हैं, इसको हल्का सा सॉटे करते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज की प्याज चॉप की हुई, ये 1.5 चम्मच जीरा मैं पहले जो ऐड करना भूल गई थी, लेकिन आप बिल्कुल मत भूलिएगा, तेल गर्म होते ही आप पहले जीरा ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद ऐड करें लहसुन और प्याज। तो प्याज हल्की सी मैंने गोल्डन ब्राउन करी है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बिल्कुल हल्की लाइट गोल्डन ब्राउन रखना है। और उसके बाद इसमें ऐड कर दी है भिंडी जो हमने फिल करके रखी थी स्पाइस मिक्स के साथ। तो अच्छे से इसको मिक्स करें भिंडी को, ताकि ये जो प्याज है अच्छे से कोट हो जाए सब भिंडियों पर, और उसके बाद अब हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे करीब 2 से 3 मिनट तक। तो इस टाइम हम भिंडी को पूरा नहीं पका रहे हैं, बिल्कुल आधा हमें पकाना है, तो हम 3 मिनट तक 4 मिनट तक इसको पका रहे हैं सिर्फ। और आप देख सकते हैं अच्छी आधी पक चुकी है भिंडी और अच्छी तरीके से ये जो प्याज है उस पर कोट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर, तो उसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसको ढक के 3 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि कम्प्लीटली ये भिंडी अच्छी तरीके से पक नहीं जाती। तो बीच में इसको हम ओपन कर सकते हैं एक बारी और उसके बाद स्टर कर दें, क्योंकि हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं, तो इसलिए आप बीच में इसको स्टर ज़रूर करें 1 से 2 मिनट के बाद। तो जब आप इसको बीच में स्टर करेंगे तो आप देखेंगे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने लग गया है, लेकिन हल्की सी जो कसर है वो अभी हम 1-2 मिनट तक जब इसको और पकाएंगे, तो हम 1-2 मिनट के लिए ढक्कन और लगा देते हैं और उसके बाद इसको पकाते हैं, जब तक कि भिंडी अच्छी कम्प्लीटली पक ना जाए और टमाटर भी अच्छे से पक ना जाए और बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये 2-3 मिनट और पकाया है मैंने इसको, और बिल्कुल अच्छे से भिंडी सॉफ्ट हो गई है, टमाटर भी बिल्कुल पक चुका है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है इस टाइम ये मसालेदार सी भिंडी जो प्याज टमाटर की कोटिंग में है और साथ साथ है इसमें बढ़िया सा स्पाइस मिक्स। तो गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देते हैं और चलिए इसको प्लेट आउट करते हैं। तो गर्मा गर्म सर्व कीजिए ये भरवा भिंडी, जो कि बहुत ही बढ़िया बनी है, एकदम अच्छी सी कोटिंग इसमें स्पाइस की है, साथ साथ ये प्याज टमाटर बहुत ही बढ़िया बना देता है इस भिंडी को, जो कि है भरवा।
तो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये भरवा भिंडी की, ट्राई करने लायक है। एक बार आप ट्राई करें और ज़रूर से बताएं मुझे कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर आप इसे ट्राई करें तो ज़रूर से लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में कि कैसी बनकर आई आपकी ये भरवा भिंडी और कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, उनको पसंद करने के लिए। अगर आपको पसंद आती है मेरी चैनल की वीडियोज़ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर से कीजिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय मेकिंग दिस डिलिशियस भरवा भिंडी एंड एंजॉय दिस टाइम विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।